गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी ने विश्व में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। हर किसी के लिए सरदार पटेल की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दल भारत की एकता के प्रतीक इस मूर्ति पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए, जिसके बाद कुछ पार्टियों ने इस विशाल प्रतिमा को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने इस मूर्ति के बहाने बीजेपी पर पटेल की विरासत हथियाने और उनके नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी के सांसद और अभिनेता परेश रावल ने मूर्ति पर सवाल उठाने वालों और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। दरअसल परेश ने इशारों में कांग्रेस पर बड़ा तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में परेश ने लिखा कि विश्वास नहीं कर सकता हूं कि 99 शैक्षिक संस्थानों, 66 योजनाओं, 26 खेल ट्रॉफियां, 17 स्टेडियम, 9 हवाई अड्डे बंदरगाहों, 41 पुरस्कार, 37 अस्पतालों, 17 राष्ट्रीय उद्यान, 37 सड़कें और 17 छात्रवृत्तियां गांधी नेहरू परिवार के नाम होने के बावजूद लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की एक मूर्ति से समस्या हो गई जिन्होंने भारत को एकजुट किया। आपको बता दें कि सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे जिनके पीएम मोदी शुरू से ही जबरदस्त कायल रहे हैं। मोदी ने ही सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाई है, जिसका सपना उन्होंने गुजरात के सीएम रहते देखा था। वहीं बीजेपी ने इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने कभी भी सरदार को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। इसीलिए जब बीजेपी पटेल के सम्मान में इतना कुछ कर रही है तो कांग्रेस को वो अखर रहा है, जिसके बाद वो बीजेपी पर पटेल को हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। बहरहाल ये तो राजनीति है, जिसमें हमेशा नेता अपने नफे नुकसान को देखते हुए कदम उठाते हैं, लेकिन आम जनता को इससे क्या, वो तो भारत की शान और एकता के प्रतीक इस भव्य प्रतिमा को लेकर खुश है।